गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा छत का हाल दिखा रहे हैं। और अगर आप देखे होंगे पहले मेरा वीडियो सीम का, तो देखिए यहाँ पे सीम था जो कि अब हो चुका है यहाँ से गायब, तो इसका जगह शिफ्ट कर दिए हैं। देखिए उधर गया है। बहुत कल टेंशन में थे हम, बहुत ही मुश्किल से इसको लगाए। और सीम में तो जल्दी सफलता मिलता नहीं है, और बिना दवाई का इतना मुश्किल से मेरा ये करके रखे थे। और काफ़ी सारा इसमें फ्रूटिंग है, बहुत सारा फल है इसमें लगा हुआ। और कल जब इसका जगह चेंज कर रहे थे तब दिखा कि बहुत सारा फ्रूट है, तो देख के इसीलिए बहुत अफसोस हो रहा था कि पता नहीं इसको बचा पाएंगे कि नहीं। ये इधर लगा हुआ था और यहाँ पे काम चलेगा। देखिए रड और ये ईंट दीवार खड़ा होगा, देखिए। और ये इसका जगह इधर चेंज अभी कर दिए हैं। देखिए फ्रूटिंग आपको दिखाते हैं, देखिए कितना सारा फ्रूट है। कोई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किए हैं, बस इसमें दाल पानी चावल पानी ही डाले हैं अब तक, और कुछ भी नहीं। और एक ही सीम है। और देखिए बगल में कॉलेज है, कितना सुंदर गार्डन दिख रहा है नीचे मेरे बगल में। तो छत में आने के बाद मेरे आसपास बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मेरे इधर फादर इन लॉ हैं, थोड़ा इनको चलने में अभी प्रॉब्लम होता है, और ठंड के कारण इनका हालत बहुत बिगड़ा हुआ है, इनका देखभाल करना पड़ता है। इसीलिए इन दिनों ज़्यादा पीछे का गार्डन में हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और इसीलिए वीडियो भी नहीं बन पा रहा है। लेकिन ये इसका फ्रूटिंग हर एक जगह, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ फ्लावर और फ्रूट नहीं है। देखिए देखिए देख सकते हैं कितना सारा है, सब जगह लदा हुआ है। और बहुत मुश्किल से ये सीम में ना सफलता मिलता है। बहुत लोग तो आसपास सीम लगाए थे जिसका सब मर गया, पौधा ही नहीं बचा काफी लोग का। बहुत लोग तो दवाई दे देते हैं दो तीन बार, जिसके कारण भी ऐसा होता है, पर समझ नहीं पाते हैं वो लोग। तो ज़्यादा दवाई भी नहीं यूज़ करना है, उससे भी पत्ता जल जाता है। मेरा भी थोड़ा सा बिगड़ ये पत्ता पीला हो रहा है, क्योंकि इधर से उधर छेड़खानी करने में कुछ डाली वगैरह ऐसे टूट गया। और जो बोरी में टमाटर लगाए थे आपको दिखाए थे, देखिए इसमें फ्लावर आ गया है। इसको कटिंग नहीं किए और नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसमें फ्रूटिंग होना चालू हो जाएगा। बस इसमें मिट्टी भरेंगे, मिट्टी का ज़रूरत है इसमें,